इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कनकेव लेंस इस तरह की शक्ल होती है इसकी। इधर से आने वाली लाइट के लिए फोकस इधर रहेगा और इसकी डबल डिस्टेंस पर 2f रहेगा, और इधर से आने वाली लाइट के लिए फोकस इधर रहेगा और इसकी डबल डिस्टेंस पर 2f रहेगा। तो पहला तो हम कहते हैं इमेज एट इंफिनिटी। अगेन इंफिनिटी का मतलब होता है बेटा बहुत दूर, और बहुत दूर का मतलब होता है लाइट रेस आपस में पैरेलल आएंगी। मैंने ये नहीं बोला कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, वो आपस में पैरेलल होती है, बट डायग्राम थोड़ा इजीली बन जाए इसलिए हम उसको पैरेलल एक्सिस के भी पैरेलल बना देते हैं। तो ये हमारी लाइट रेस आ रही है, तो ये वाली कैसे जाएगी, फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी। हाँ, ये जाएगी ऐसे, जाएगी ऐसे, और आपको लगेगा कि ये यहां पर आकर के मिल रही है। चलिए, तो क्वेश्चन में बोला है मेरे से, सबसे पहले तो यह आइडेंटिफाई कर लो कि मिरर लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो फोकल लेंथ इसकी है 10 सेंटीमीटर, तो मैं लिख दूंगा फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पर खड़ा है वो हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, और ये है 15 सेंटीमीटर, यानी कि -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट जिसको हम H1 कहते हैं वो है इसमें 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है V, तो सिंपल हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा मंत्र पढ़ेंगे, मिरर के मेन फॉर्मूले में माइनस नहीं आता है, लेकिन ये लेंस है इसलिए माइनस आएगा, और पहले हम आएंगे बाद में तुम आओगे। ये हो गया 1/10 1/V -15। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि अगर ये लेंस है, हाँ, सर H1 की वैल्यू आई है 4। रुक जा, पहले ये तो खत्म करने दे यार, तो H1 लेके घूम रहे। आइए, अब V पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि ये इधर की तरफ आई है इमेज, V पॉजिटिव इधर होता है। अगर लाइट रे इधर आ रही है तो लेंस के उधर की तरफ है, यानी कि इमेज आपकी यहां कहीं बन रही है। क्लियर, चलिए, यानी कि ये होता है बिहाइंड द लेंस। अगर ये नेगेटिव आता तो हम बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ लेंस, है ना, ये इन फ्रंट वाला है और ये बिहाइंड वाला है। चलिए, जो भी है, आगे पूछता है मेरे से पोजिशन नेचर तो हम लिख देंगे, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। मुझे पता है बेटा मैग्निफिकेशन होता है H2/H1, बट मेरे पास H2 है नहीं तो मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता। फिर मैंने दूसरा फॉर्मूला ट्राई करा V/U, और हमारा मंत्र पढ़ा कि मिरर के मेन फॉर्मूले में माइनस नहीं आता है, इस फॉर्मूले में माइनस आया है इसलिए यहां पर प्लस आएगा। चलो, V की वैल्यू आ गई 30, U की वैल्यू आ गई -15, ये आ गया -2। मैग्निफिकेशन माइनस में आया है, यहां से मुझे कुछ चीजें पता लग गई कि इमेज इज रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड, बड़ी बनेगी। एक तो ये बात, कहां बनेगी, एट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, ये भी मैंने आपको बता दिया। कितनी, अगर मैग्निफिकेशन क्या है H2/H1 और M की वैल्यू क्या है -2, सो H2/H1 इज इक्वल टू -2। H1 कितना है मेरे पास 2 सेंटीमीटर, तो 2 उधर चला जाएगा, H2 आ गया -2H1, यानी कि -2 × 2 दैट इज -4 सेंटीमीटर। और माइनस साइन ये बता रहा है कि इमेज कैसी है, उल्टी है। लिख लीजिए पहले इसको, फिर इसके आगे की बात करते हैं।
अभी बोलता है भाई रे डायग्राम बनाओ, तो मुझे पता है बी थर्टी है, अब मैं इसका रे डायग्राम बनाता हूं। देखिए समझना, ये कॉन्वेक्स, देखना सारी वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएंगी और पता लग जाएगा हमारा क्वेश्चन सही है। फोकस कितना है 10 सेंटीमीटर पर और 2f हो गया 20 सेंटीमीटर पर, इधर की तरफ 10 सेंटीमीटर और 2f हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कहता है ऑब्जेक्ट कहां रखा है 15 सेंटीमीटर पर, यानी कि 10 और 20 के बीच में है यहां पर, और जब ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में होता है तो इमेज f 2f के पीछे बनती है ना, तो इमेज बनेगी पीछे यानी कि यहां पर। पैरेलल आने वाली लाइट है फोकस से गुजर जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली ऐसे गुजर जाएगी और ये बन गई आपके पास इमेज। अगर ये आपके पास कहता है कि 2 सेंटीमीटर है तो ये बन गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि इमेज उल्टी बनी है। और ये रहा मेरे पास रे डायग्राम आई इमेज के लिए, ओ ऑब्जेक्ट के लिए, और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस। चलिए हरिंग डालिए पावर, पावर, पावर ऑफ अ लेंस। समझिए, लिखना मत कोई, पहले समझ लीजिए। किसी लाइट रे को आप डालते हो, ये लेंस है वन और इसने पैरेलल आने वाली लाइट रे को यहां पर फोकस करा, इसका काम ही है, ये कन्वर्जिंग लेंस ही है ना? इसने यहां फोकस करा, इसकी फोकल लेंथ ये है। एक लेंस दूसरा लिया मैंने ये वाला और इसमें जब पैरेलल लाइट रे डाली है तो इसने इसको यहां पे फोकस कर दिया। आप बताइए किसने मोड़ने का काम ज्यादा करा है, किसकी बेंडिंग एबिलिटी ज्यादा है, लेंस वन टू वाले की? इसने बहुत ज्यादा मोड़ दिया। देखो इसने अगर 30 डिग्री पे मोड़ा है तो इसने यार 60 डिग्री मोड़ दिया, तो बेंडिंग एबिलिटी इसकी ज्यादा है, इसमें हम कह देंगे कि इसकी मोड़ने की पावर ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जिसकी पावर ज्यादा है उसकी फोकल लेंथ कम आ रही है और जिसकी पावर कम है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, तो यहां से मुझे पता लग गया कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। जब एक्सपेरिमेंटली इसका रिजल्ट निकाला गया तो एक कांस्टेंट लगाया गया k इंटू f, k बाई f, और k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 निकाली गई, तब से पावर का फॉर्मूला आने लग गया p इज इक्वल टू 1 बाई f, क्लियर? तो हम लोग यहां k वे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वो आपको समझाने के लिए है। तो यहां सिंपली मैं बता देता हूं कि पावर का फॉर्मूला होता है 1 बाई f। तो पहले आप लिखिए कुछ बातें, लिखिए पावर क्या बताता है, इट सिग्निफाइज फोकल लेंथ ना? हाँ बेटा, बट ये लिखना नहीं है अभी कुछ भी, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिए, लिखिए इट सिग्निफाइज बेंडिंग एबिलिटी ऑफ ए लेंस, इट सिग्निफाइज बेंडिंग एबिलिटी ऑफ ए लेंस। एक तो ये बात, दूसरा मोर पावर ऑफ ए लेंस सिग्निफाइज, मोर पावर ऑफ ए लेंस सिग्निफाइज इट्स लेसर फोकल लेंथ। किसी लेंस की पावर ज्यादा है इससे हमें यह पता लगता है कि उसकी फोकल लेंथ कम होगी। अब आप ये दोनों डायग्राम मतलब बना लीजिए और यहां लिख लीजिए मोर पावर लेस फोकल लेंथ, लेस पावर मोर फोकल लेंथ। चलिए आइए
तीसरी बात समझिए, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और पावर की यूनिट जो दी जाती है वो दी जाती है डी, मतलब डायोप्टर। और फिजिक्स में सबको पता है डायोप्टर होता है 1/m, इसीलिए अगर आप पावर को डायोप्टर में लिखना चाहते हैं तो फोकस लेंथ शुड बी इन मीटर। यानी कि यहां पे मैंने बना दिया स्टार, स्टार आपको ये बात याद दिलाएगा कि फोकल लेंथ मीटर में रखनी है आपको, क्योंकि आपको डायोप्टर निकालना पड़ेगा। क्लियर? एक तो ये बात, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, इसीलिए इसकी पावर भी होगी पॉजिटिव और इसकी पावर होगी नेगेटिव। ये बात है अगली, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप सिर्फ एक न्यूमेरिकल करेंगे। लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, आपके पास एक ही तरह का लेंस है तो उसी को कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अगर आपके पास दो लेंस इस तरह से कंबाइन कर लिए और मैं कहता हूं इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, तो इन दोनों को मिला करके इस सिस्टम की पावर कहलाती है P1 + P2, और P1 and P2 विल बी विद साइन कन्वेंशन। क्लियर? और एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, और क्वेश्चन है ये, देखिए ये आपको सिस्टम दिया हुआ है दो लेंस का, इसकी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर की, इसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, बताइए। इसमें हमारे पास दो फोकल लेंथ है F1 और F2, ये कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कनकेव है तो यहां लगा देंगे हम नेगेटिव। हमें इस पूरे सिस्टम की नेट पावर पता करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे P1 और P2 निकालना पड़ेगा। अगर F1 मुझे पता है तो मेरे पास P1 हो जाएगा 1/F1, और मुझे पता है फोकल लेंथ मीटर में रखनी है तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए डिवाइड कर दूंगा मैं 100 से, ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर आ गई 4 डायोप्टर। आइए यहां मैं पावर निकालूंगा तो 1/F2 करूंगा, फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, अभी मीटर में आ गया तो यहां वैल्यू पुट अप कर देता हूं तो 1/-50 ऊपर चला जाएगा 100, पावर आ गई -2 डायोप्टर। तो इस लेंस की पावर होगी 4, इसकी होगी -2। अब नेट पावर निकाल दीजिए 4 डायोप्टर - 2 डायोप्टर यानी कि 2 डायोप्टर। अब नेट पावर आ गई तो नेट फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, नेट पावर 1/नेट फोकल लेंथ की हो जाएगी, तो फोकल लेंथ नेट हो जाएगी 1/पावर नेट के बराबर, वही वाला फॉर्मूला घुमा घुमा के आपको बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पावर होगी 1/2 डायोप्टर, अभी फोकल लेंथ निकल गया और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर, ये आ गया मेरे पास नेट फोकल लेंथ। अब सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 50 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। इसकी फोकल लेंथ से इसकी पावर, उसकी फोकल लेंथ से उसकी पावर, और इस सिस्टम की पावर चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए तो सिस्टम की पावर निकाल दी बस। देख लीजिए, सोच लीजिए और समझ लीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप भी करके देखना। अच्छा अब मुझे एक चीज बताइए, ये पूरा सिस्टम किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह या कनकेव की तरह?
अब देखिए इस पूरे सिस्टम की पावर कैसी आ रही है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो कह सकते हैं द सिस्टम, या यूं कहें कॉम्बिनेशन, विल बिहेव हां लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव में आ रही है ना 50 सेंटीमीटर, इसलिए। हाँ अगर पावर माइनस में आ जाती, फोकल लेंथ भी नेगेटिव आ जाती, तो हम कह देते ये कंकेव लेंस है। लास्ट टॉपिक और लिख लीजिए और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाए, और आज ही मैं इसके नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग पढ़ना शुरू कर देना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने अभी तक एनसीईआरटी पढ़ी है। एनसीईआरटी के इंटेक्स, बैक एक्सरसाइज या किसी भी रिफ्रेशर से कोई भी क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहा है आप डाउट में दे सकते हैं, क्योंकि संडे को इसी का टेस्ट होगा बेटा। हाँ हाँ बता दूंगा बेटा, वो भी बता दूंगा। चलिए लिखिए लेंस इन अ मीडियम, लेंस इन अ मीडियम। आइए सपोज करो आपने लेंस को एक मीडियम में डाल रखा है, तीन केसेस बना लीजिएगा इनको, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NL और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NM, और मीडियम ज्यादा डेंसर है ना। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और इसमें मैंने माना लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और इसमें मैं कह रहा हूं दोनों ही बराबर है, समझना। जब मीडियम, ये याद करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है 1/F = μL/μm − 1 1/F1 + 1/F2, ये 12th क्लास में फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे जो रिजल्ट निकलता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये कहता है अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो मीडियम इसकी जिंदगी बदल देगा। कैसे बदलेगा, अगर ये कॉन्वेक्स है तो ये कंकेव की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और अगर ये कंकेव है तो ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, इसकी जिंदगी पलट देता है। दिन बदल दिया, जज्बात बदल गए, यू से यू करती जिंदगी। लेकिन अगर लेंस की है तो लेंस अपनी दादागिरी चलाता है, अब कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा और कंकेव कंकेव की तरह ही बिहेव करेगा, तो लेंस अपनी चलाता है। अब ये दोनों बराबर आ गए तो लाइट रे जो बेटा निकलेगी वो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी, क्यों, क्योंकि रिफ्रेक्शन तब होता है जब मीडियम चेंज होता है। यहां भी वही डेंसर वही मीडियम है, इसका भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वही है, इसका भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वही है, यानी कि तीनों मीडियम सेम हो गए। तो हम कह सकते हैं नो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। इवन सोचो पानी के अंदर पानी का ही लेंस है तो दिखेगा आपको नहीं, गायब हो जाएगा। कह सकते हैं लेंस विल बी इनविजिबल। बनाइए इसको।